अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम जो है पेट को अपने साफ़ करने जा रहे हैं बिल्कुल मुकम्मल तरीके से। बहुत दिनों से जो है ऐसे डीप क्लीनिंग करते चले गए हैं। आज हम कॉलिन लिक्विड लेके आए हैं और उसी से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद जो है फिर देखेंगे कि पेट हमारा जो है कैसा हुआ। इसमें जो है पर्दे वगैरह मैं पहले से ही कर रही हूँ, इसलिए कि बच्चे खींच खींच के जो है सारे पर्दों को पटोल देते हैं। तो पर्दे वगैरह मैं सही कर चुकी हूँ और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह उसको भी सही कर दूँगी। उल्टे सीधे फेंक देते हैं डेली, दिन भर में 4 बार तो इसको मैं सही करती हूँ। तो ये सब सारे टॉयज़ को मैंने एक एक करके उठा लिया है और जो जहाँ रहता है उसको उसकी जगह पर मैं फिक्स कर दूँगी, यानी रख दूँगी। तो उसको जो है मैंने वहाँ रख दिया। टेडी बियर यहाँ रख दिया, ये हिरन है इसको मैं यहाँ रख दिया। हिरन और कुछ जो है एलिफेंट वगैरह के टॉयज है उसको मैं उधर रख दूँगी। तो चलिए ये सब मेरे काम हो गए हैं, अब मैं जो है जो करने आई हूँ उस पर लग जाती हूँ। तो ये मैं कॉलिन डालती हूँ और कॉलिन से कुछ जो है दाग धब्बे पड़ गए थे, ज़्यादा दिन हो गया था जो है ये साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने इसको पहले से जो है कुछ एक थोड़ा सा जो है कॉलिन डाल के छोड़ दिया था आधा घंटा पहले। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा और कॉलिन लगाऊंगी और उसके बाद इस पर रगड़ूंगी। ये जो इसमें जो लेदर लगा हुआ है नीचे, लेदर के साइड साइड में बहुत ध्यान से देखो तो बहुत धूल मिट्टी सी ऐसे दिखती है कि मतलब डस्ट जमा हो गया है। और इसको जो है कपड़े को मैं भिगा लिया है पहले से मैंने, और इसको मोड़ के हम उसी से रगड़ेंगे। तो ये देखिए इसको मैं रगड़ रही हूँ साफ खूब कायदे से, और रगड़ रगड़ के मैं जो है इसको बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने शुरुआत किया है और मैं जो है इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। ये लेदर भी मैं साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए लेदर जो है इसका बहुत गंदा सा लग रहा था। तो कॉलिन की सफाई से बहुत अच्छी जो है क्लीन हो जाती है, बेड बहुत साफ़ हो जाता है। और बेडशीट मैंने हटा दिया है, दूसरा बेडशीट यहाँ ला के रख दिया है। जब मैं इधर की सफाई कर लूँगी फिर मैं बेडशीट को लगाऊँगी। और ये मेरा बेड जो है बहुत सुंदर लगता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। मैं इसको हमेशा हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक मैं इसको साफ़ नहीं कर देती हूँ मेरा मन नहीं मानता। तो मैं इसको पहले साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए तो सारा जो है हमने उधर साफ़ कर दिया है, इधर में मैं आ जाती हूँ। और इस तरफ जो है जहाँ टीवी वगैरह का जो है वो रखा रहता है, स्लैब वगैरह लगा रहता है, वहाँ पे जो है डस्ट बोर्ड रखे रहते हैं और सेटअप बॉक्स भी है। तो वहाँ भी जो थोड़ी सी धूल मिट्टी आ गई थी तो वहाँ भी मैंने जो है उसको हटा के साफ़ कर दिया है। तो इधर की मेरी सफाई हो गई है, मैं इधर आ गई हूँ। मैं कुछ देखने लगी थी ध्यान से ये क्या है, तो इधर भी मैं रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से इतने अच्छे से मैंने जो है इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया है कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। देखने में जैसे लगता है बिल्कुल नया बन गया है। तो मैंने इतना रगड़ा बेड को कि बिल्कुल चमका दिया रगड़ रगड़ के और साफ़ कर दिया। अब मैं सफाई करके बिल्कुल जो है नीचे आ गई हूँ, सब सामान को रख दिया है। अब मैं बेड मैट्रेस को उठा लूँगी और इस पर जो है फटाफट से बेडशीट लगा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और जो है फुल वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा कि मैं कैसे जो है क्लीनिंग रूटीन की जो है क्लीनिंग करती हूँ। तो बेडशीट में लगा देती हूँ और बेडशीट लगाने के बाद चलिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर देना, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मैं आ जाती हूँ दूसरे मोड़ पे, मैं कुछ बता रही थी तो अगले वीडियो में मैंने बताया था। और ये देख लीजिए कि मेरा पेट बिल्कुल माशाल्लाह से कितना अच्छा चमक गया, रगड़ रगड़ के मैंने इसको नया बना दिया और ये बिल्कुल नए के तरीके चमक गया। ये देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, कितना अच्छा शाइन कर रहा है और कितने अच्छे से जो है ये चमक रहा है। ये देखिए, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से क्लीनिंग की जो है रूटीन को मेरे फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इस वाले कमरे में भी आ गई हूँ, यहाँ का बेडशीट भी मैंने लगा दिया था, सही कर दिया था, थोड़े कपड़े थे तो ये मैं साइड पे रखती हूँ कपड़े, और मैंने जो है कपड़े धोने का वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो मैं, मुझे कहीं जाना था तो वहाँ का मैंने जो है थोड़ा वीडियो शूट किया है। तो ये देखिए, आप जो है देख के समझ गए होंगे कि किसी स्कूल का जो है ये वीडियो है, और यहाँ पे जो है बच्चों को लेके आना था, थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह दिलवाना था, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ आए हैं जो है बच्चे चले गए हैं पेपर देने, और हम लोग यहाँ बाउंड्री में बैठे हुए, बहुत सारे पेरेंट्स आए अपने अपने बच्चों को लेके, तो हम लोग भी यहाँ बैठे हुए। मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बिल्कुल ठंडा मौसम था, और ये बहुत बड़ा सा बाउंड्री है, उसी में जो है सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और हम लोग भी बैठे हुए हैं। तो बैठ के भी जो है 2 घंटे का टाइम है, तो इसीलिए जो है, नहीं सॉरी 1 घंटे का, तो इसीलिए हम लोग अब चीज बैठे हुए हैं।